इस लेक्चर में जो आज का टॉपिक है वो है कि बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि हम इस लेक्चर में जो आज डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट, लाइक ये एक बार मैग्नेट, और इस बार मैग्नेट को अगर हम डिफरेंट ओरिएंटेशन में किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, इस बार मैग्नेट का बिहेवियर कैसा होगा, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, तो चलिए समझते हैं। मान लिया हमने कि ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मान लिया ये क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान लिया हमने, सपोज इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया बी से, ये क्या है यूनिफॉर्म। ठीक, अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम कोई बार मैग्नेट रखेंगे। अब किसी भी बार मैग्नेट को अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसको उस फील्ड में रखने के लिए कई सारे डिफरेंट ओरिएंटेशंस हो सकते हैं। जैसे मान लिया हमने कहा कि बार मैग्नेट है और हमने इसे इस तरह से रखा, ये बार मैग्नेट हमने इसे इस तरह से रखा। मान लिया हमने कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, पहला ओरिएंटेशन। या हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि हमने बार मैग्नेट लिया और उसे इस तरह से रखा, मतलब ये रहा साउथ पोल और ये क्या रहा नॉर्थ पोल, ये दो ओरिएंटेशन। ऐसे और क्या ओरिएंटेशन हो सकता है कि हमने मान लिया कि ये है हमारा बार मैग्नेट इस तरह से, देखिए ये दोनों हॉरिजॉन्टल में और ये वर्टिकल में, इसमें भी क्या हो गया ये नॉर्थ, ये क्या हो गया साउथ पोल हो गया। ऐसे ही और भी अगर हम ओरिएंटेशन की बात करें तो और क्या ओरिएंटेशन हो सकते हैं, लाइक इस तरह से साउथ नॉर्थ, ये ठीक है। अच्छा अब देखिए ये दोनों हॉरिजॉन्टल ये दोनों वर्टिकल, तो कोई जरूरी नहीं कि बार मैग्नेट को हम केवल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिचुएशंस में ही रखें, बार मैग्नेट को हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के साथ किसी एंगल पे इंक्लाइन करके भी रख सकते हैं। तो अगर हम देखें तो दो और कॉन्फिगरेशन हम बना सकते हैं इस तरह से, दो कॉन्फिगरेशन लाइक इस तरह से, ये है नॉर्थ ये है साउथ, देखिए ये। या इसी को अगर हम चाहें तो एक और कॉन्फिगरेशन ऐसे शो कर सकते हैं कि सेम इंक्लाइनेशन है, ये इंक्लाइनेशन सेम है, हमने यहां पर इसे साउथ बोल दिया और इसे नॉर्थ बोल दिया। यानी अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो ये छह तरह के ओरिएंटेशन में हम किसी बार मैग्नेट को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक चीज और समझने वाली बात, ध्यान से देखिए तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, यानी कुछ तो ऐसा है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट हो रही है और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इन कर रही है, या हम ये कहें कि टर्मिनेट हो रही है। तो अब सोचने वाली बात कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर यहां ओरिजिनेट हो रही हैं तो यहां पर कौन सा पोल हो सकता है, तो आप लॉजिक अगर लगाएं तो हम मान सकते हैं कि यहां पर हमारा क्या है नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ पोल से हमें भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से जनरेट होती है। ऐसे अगर यहां पर देखा जाए तो क्या पोल हो सकता है, तो यहां पर हो सकता है हमारा साउथ, यानी ये हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा इधर की तरफ क्या हो गया साउथ पोल, और ये बार मैग्नेट्स रखे हुए हैं। अब मान लीजिए समझने के लिए हम इनकी थोड़ी सी नंबरिंग कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, यानी ये छह डिफरेंट ओरिएंटेशन में रखा गया। तो सबसे पहली बात हम जो करेंगे इस बार मैग्नेट के इक्विलिब्रियम की, ये छह कंडीशंस में एक साथ हम देखेंगे कि बार मैग्नेट अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो इक्विलिब्रियम की क्या सिचुएशन होगी। अब बात करेंगे इक्विलिब्रियम,
तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम में होता है तो बेसिकली उस ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, एक हम क्या बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यानी कि इक्विलिब्रियम को अगर देखा जाए तो बेसिकली दो टाइप्स का, क्या क्या, ट्रांसलेशनल और दूसरा इक्विलिब्रियम होता है हमारा रोटेशनल। दूसरा इक्विलिब्रियम क्या होता है रोटेशनल। तो अगर हमें इक्विलिब्रियम पर चर्चा करनी है तो हमें यह देखना होगा कि ये बार मैग्नेट में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है या रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इन छह में से किस में है, वो है या फिर नहीं है। चलिए अच्छा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है कि एफ नेट क्या होना चाहिए, जीरो। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए एफ नेट क्या होना चाहिए, जीरो। नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट शुड बी जीरो, यानी हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में जैसे भी आप देखें नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। ऐसे रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए, नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी अगर ये दोनों सिचुएशंस हैं तभी हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। अगर इनमें से कोई एक सेटिस्फाई हो रहा है दूसरा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट एक इक्विलिब्रियम में है और दूसरे में नहीं। ठीक, और कुछ चीजें जो कि हमने ऑलरेडी सीख रखी हैं कि इक्विलिब्रियम तीन टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कितने टाइप्स के, तीन टाइप्स के। हम केवल थोड़ा सा यहाँ पे आपको रिकॉल करा रहे हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम तीन टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सा। पहला इक्विलिब्रियम क्या होता है, न्यूट्रल। दूसरा इक्विलिब्रियम होता है हमारा स्टेबल। और जो थर्ड इक्विलिब्रियम होता है हमारा वो क्या होता है, अनस्टेबल। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हम क्या देखते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर किसी गिवन पोजीशन पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है और हम उसकी पोजीशन को स्लाइटली चेंज कर दें और उसके बावजूद ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहे तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसा है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या कहते हैं कि अगर हमने ऑब्जेक्ट की इक्विलिब्रियम करंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया और ऑब्जेक्ट अपनी वापस उसी पोजीशन पे आने की कोशिश करे तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसे ही जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम उसकी करंट इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब कर दें तो ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए परमानेंटली अपनी उस पोजीशन से दूर चला जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहली चीज जो कभी कभार क्वेश्चंस में भी पूछ लिया जाता है, लॉजिकल सी बात, कि आपसे पूछा जाए कि इन छह में से ऑब्जेक्ट के इक्विलिब्रियम या इस बार मैग्नेट के इक्विलिब्रियम की बात की जाए, इन छह में से किस सिचुएशन में बार मैग्नेट हमारा इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम में है तो कौन से इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशनल या रोटेशनल, और उसमें भी इन तीनों में से कौन सा। तो वन बाय वन हम एक एक चीज समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेशनल की बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट यानी इस बार मैग्नेट के ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी ये तीनों। ऐसे ही उसके बाद हम चर्चा करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम की और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी ये तीनों अलग अलग। तो हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे किस बात पे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आप चाहें तो हेडिंग डाल लें कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलिए हम इन सारे छह के छह डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फिगरेशंस पे वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, चलिए आप स्क्रीन को पॉज करें, अगर इसमें से कुछ नोट करना है नोट करें, अदरवाइज हम इनकी इक्विलिब्रियम पर डिस्कशन शुरू करें। कॉपी कर लिया, चलिए आगे बढ़े। तो याद रखें ट्रांसलेशनल में भी ये तीनों और रोटेशनल में भी ये तीनों हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले सिचुएशन वन की बात करते हैं। अब कैसे, अगर हम सिचुएशन वन की बात करें, सिचुएशन वन की ध्यान से देखें तो सिचुएशन वन में बार मैग्नेट हमारा इस तरह से रखा हुआ है, ये इस तरह से, ये है हमारा नॉर्थ पोल, ये है हमारा साउथ पोल। अब आप देखें जरा, हमने क्या दिखाया, इधर नॉर्थ और इधर साउथ, और ये साउथ ही नॉर्थ,
ठीक है। अगर हम मान लें कि इन सारे बार मैग्नेट्स की जो पोल स्ट्रेंथ है वो एम है, पोल स्ट्रेंथ हमने क्या मान लिया एम, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी हो गई एम, इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी हो गई एम। और याद करें नॉर्थ को हमने समझने के लिए पॉजिटिव एम बोला, साउथ को हमने क्या बोला नेगेटिव एम। तो अगर इन पोल्स पर हम ये देखें कि इस बी मैग्नेटिक फील्ड के कारण कितना फोर्स लगेगा, तो याद करें कि अगर किसी बार मैग्नेट के पोल की पोल स्ट्रेंथ कितनी है एम और उस पर मैग्नेटिक फील्ड वहां पर कितना है बी, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है एम इंटू बी, कितना लगता है एम इंटू बी। तो जरा समझें इस नॉर्थ पर, ध्यान से देखें नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे, यानी कि इधर की तरफ फोर्स लगा कितना एम इंटू बी, ये फोर्स लगा, ठीक है ना। देखिए ये नॉर्थ था और ये नॉर्थ था, तो ये फोर्स इधर लगा एम इंटू बी। ऐसे ये साउथ को देखें, ये साउथ और ये साउथ, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इधर फोर्स लग गया कितना एम इंटू बी। अब चूंकि ये बार मैग्नेट है एंड बार मैग्नेट इज अ टाइप ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, यानी कि दोनों का जो पोल स्ट्रेंथ है वो सेम, और हमने ऑलरेडी मान लिया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड वहां यहां है वही मैग्नेटिक फील्ड यहां है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बराबर, तो क्या ये दोनों फोर्सेस बराबर हो गए क्या, बिल्कुल बराबर हो गए, एम बराबर बी बराबर, तो एम बी यानी मैग्नेटिक फोर्स बराबर। अच्छा दोनों की डायरेक्शन देखिए, तो नॉर्थ पोल पर डायरेक्शन इधर है साउथ पोल पर डायरेक्शन इधर है, तो आप खुद से सोचिए कि एफ नेट इस पर क्या हो गया जीरो, एफ नेट क्या हो गया जीरो हो गया, एफ नेट कितना हो गया जीरो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इस सिचुएशन में ये बार मैग्नेट इक्विलिब्रियम में है, तो आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है, और कौन सा इक्विलिब्रियम पे हम डिस्कशन कर रहे हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, तो बार मैग्नेट हमारा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में आ चुका है, ठीक है, क्लियर है क्या। ऐसे ही अगर आप ध्यान से देखें सेकंड की बात करें, तो सेकंड में अगर हम देखें यहीं पर देखते हैं, अगर आप सेकंड में देखें तो ये साउथ ये नॉर्थ, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस पर फोर्स इधर लगा, ये नॉर्थ ये साउथ, तो इस पर फोर्स इधर लगा, और जो लॉजिक हमने यहां पर लगाया उसी लॉजिक से अगर आप समझें तो ये जो फोर्स लगा ये कितना है एम बी, ये भी फोर्स कितना लगा एम बी। क्या दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर, हाँ बिल्कुल। क्या दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट टू इच अदर, हाँ बिल्कुल। तो क्या ये इक्विलिब्रियम में है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है। यानी कि क्या यहां पर सेकंड में भी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है क्या, हाँ बिल्कुल। तो देखें फर्स्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हाँ है, सेकंड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हाँ बिल्कुल है। ऐसे अगर थर्ड के बारे में सोचा जाए और बाकी सारे के बारे में, तो अब आप लॉजिकली देखें इस नॉर्थ पर इधर फोर्स लगा एम बी, इस साउथ पर इधर फोर्स लगा एम बी। देखिए पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यहां पर भी हम चाहें तो इसे दिखा दें ऐसे एम बी, और यहां भी इसे हमने दिखा दिया एम बी। तो यहां पर पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ बोथ द फोर्सेस सेम लाइन से क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन यहां पे देखिए ये फोर्स इधर लग रहा है और ये फोर्स यहां लग रहा है, लेकिन हम अभी किसकी बात कर रहे हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे। तो देखिए क्या फोर्स टुवर्ड्स राइट एंड फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट इक्वल है क्या, हाँ बिल्कुल। तो क्या ये इक्विलिब्रियम में है, हाँ बिल्कुल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। ऐसे ही आप यहां पर भी देखें और यहां पर भी देखें, तो आपको दिखेगा देखिए यहां पर क्या फोर्स लगा इधर की तरफ, यहां पर इधर की तरफ फोर्स, ऐसे ही यहां पर साउथ है नॉर्थ है अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, यहां पर इधर की तरफ, और यहां पे इधर की तरफ। और अगर आप मैग्नीट्यूड भी लिखना चाहें तो सबके मैग्नीट्यूड बराबर एम बी एम बी एम बी एम बी एम बी एंड एम बी। अब अगर आप ये सारे के सारे छह केसेस अलग अलग देखें तो आपको बात समझ में आएगी कि बार मैग्नेट इनमें से किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में रखा जाए वहां पर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। क्यों, क्योंकि अलोंग द हॉरिजॉन्टल, अगर इस केस में हॉरिजॉन्टल माने तो अलोंग द हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स क्या है जीरो है। यानी एक बात तो समझ में आ गई कि 1 2 6
क्या कह सकते हैं? ऑल आर इन ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। क्या कह सकते हैं कि 1 to 6 इनमें से कोई भी केस देखें, ऑल आर इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। क्लियर है क्या? ठीक है। अब जैसा हमने कहा था कि हम पहले इक्विलिब्रियम की तो बात कर लिए, तो एफ नेट बराबर है इक्विलिब्रियम हो गया। लेकिन इक्विलिब्रियम भी 3 टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रल, स्टेबल, अनस्टेबल। तो अभी इन तीनों में चेक करते हैं कि किसमें न्यूट्रल है, किसमें स्टेबल, किसमें अनस्टेबल, कौन से केस में क्या होगा। तो याद करें हमने अभी क्या देखा था कि न्यूट्रल का मतलब क्या है, कि ऑब्जेक्ट जिस इक्विलिब्रियम में है अगर उसे स्लाइटली डिस्टर्ब करके किसी नए पोजिशन में लेकर जाए और ऑब्जेक्ट फिर से इक्विलिब्रियम में रहे तो वो क्या होता है, न्यूट्रल। या अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने पर ऑब्जेक्ट अपने वापस पुरानी पोजीशन पे आने की कोशिश करता है, उसकी टेंडेंसी ऐसी है, तो वो स्टेबल, और अगर परमानेंटली डिस्टर्ब हो जाता है तो अनस्टेबल। अब यही तीनों प्रॉपर्टीज हम यहाँ 6 के 6 केसेस में चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो समझे, अगर इस बार मैग्नेट को, ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन, इस बार मैग्नेट को हमने इसे स्लाइटली शिफ्ट किया टुवर्ड्स राइट, कर दिया शिफ्ट। तो मान लीजिए शिफ्ट करके हम इसे यहां पर लेकर आ गए, नई पोजिशन यहां, केवल हमने शिफ्टिंग करी है अलोंग द लाइन, देखिए नॉर्थ साउथ शिफ्टिंग करी है। तो जरा देखिए एक बार कि यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, जो मैग्नेटिक फील्ड यहां वही मैग्नेटिक फील्ड यहां, वही मैग्नेटिक फील्ड यहां वही मैग्नेट, यानी पूरे इस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म। तो सोचिए यहां पर जरा फोर्सेस की एनालिसिस करें। तो अगर यहां फोर्सेस की एनालिसिस करें तो अभी भी हम देखेंगे कि साउथ पोल पर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है और नॉर्थ पोल पर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड यहां भी एम बी है, यहां भी एम बी है, यानी नेट फोर्स अभी भी क्या है, जीरो है। और अगर इस पोजीशन में भी नेट फोर्स जीरो है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट या बार मैग्नेट यहां इक्विलिब्रियम में था तो यहां पर भी वो क्या है, इक्विलिब्रियम में। और अगर यहां पर भी इक्विलिब्रियम, यहां पर भी इक्विलिब्रियम, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को या बार मैग्नेट को उसकी प्रीवियस इक्विलिब्रियम सिचुएशन से डिस्टर्ब करके नए पोजीशन पर लेकर गए, और यहां पर भी हमारा जो बार मैग्नेट है वो अगेन इक्विलिब्रियम में है, तो ये कौन सा सिचुएशन है, यह न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का सिचुएशन। यानी कि वन कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्लियर? ऐसे सेकंड की बात करें, अब जो लॉजिक हमने फर्स्ट के लिए लगाया वही सेकंड के लिए सोचिए कि अगर सेकंड के लिए भी हम इसे थोड़ा सा शिफ्ट करें इधर की तरफ, बस हमें शिफ्ट करना है, ऑब्जेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखिए जो कॉन्फ़िगरेशन वहां यही कॉन्फ़िगरेशन यहां, बस हमने ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर दिया नए पोजीशन पर लेकर गए। अब जो लॉजिक यहां लगाया सोचिए, नॉर्थ पोल पर इधर की तरफ लगेगा क्या, यानी इधर की तरफ क्या लगा, फोर्स, इधर की तरफ फोर्स, दोनों फोर्स इक्वल, तो क्या ये अभी भी नेट फोर्स जीरो, हाँ जीरो, तो क्या ये भी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, हाँ बिल्कुल। अब आप यही लॉजिक अगर सब में इंप्लीमेंट करें, इसको यहां शिफ्ट कर दें, इसको यहां शिफ्ट कर दें, इसको यहां शिफ्ट कर दें, इसको यहां, याद रखें हमें ऑब्जेक्ट को एज इट इज शिफ्ट करना है, उसे कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तो आप देखेंगे कि जो इक्विलिब्रियम का प्रोसेस यहां था, सारा का सारा इक्विलिब्रियम का प्रोसेस नए पोजिशन पर भी मिलेगा। यानी कि हमने ऑब्जेक्ट को उसकी करंट इक्विलिब्रियम पोजीशन से चेंज करके एक नए पोजीशन पर लेकर आए, और हमने देखा कि ऑब्जेक्ट अभी भी इक्विलिब्रियम में है, तो ऑब्जेक्ट अगर किसी भी सिचुएशन में इक्विलिब्रियम में रहता है तो वो कहलाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यानी कि 1 to 6 ऑल आर इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और ये जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है ये कौन सा है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यानी अभी तक हमने क्या देखा कि अगर एक बार मैग्नेट को, या कहीं कहीं से मैग्नेटिक डायपोल भी कह सकते हैं, दोनों सेम चीजें, अगर किसी बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में, तो वो बार मैग्नेट हमेशा क्या रहेगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और वो उसका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कौन सा होता है, न्यूट्रल। क्लियर है इतना?
तो हमने कौन किस बात पर डिस्कशन कर लिया, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो अब ऐसे इक्विलिब्रियम एक दूसरा भी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो अब हम बात करेंगे कि इस बार मैग्नेट में रोटेशनल इक्विलिब्रियम की क्या सिचुएशन है। ठीक है, आप स्क्रीन को पॉज करें, नोट करें। नोट कर लिया, चलिए अब हम बात करते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि नेट टॉर्क ऑन द ऑब्जेक्ट, या इस कंडीशन में हम क्या कहें कि नेट टॉर्क ऑन द बार मैग्नेट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि टॉर्क की क्या सिचुएशन है जो हमने डिफरेंट डिफरेंट सिक्स कॉन्फिगरेशन बनाए हैं। ठीक है, इनमें टॉर्क की बात करते हैं। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, चलिए समझते हैं कि क्या चीज है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, अब अगर हम बात करें रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, ठीक, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हमें टॉर्क की बात करनी है। ठीक है ना, इसकी बात करनी है, टॉर्क की बात करनी है। चलिए देखते हैं टॉर्क की बात करें तो क्या हो जाएगा। अच्छा देखिए, हम इनमें से एक को मान लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन को बात करते हैं। अच्छा, उसके लिए पहले एक छोटा सा डिस्कशन केवल टॉर्क की बात करें कि अगर एक ऑब्जेक्ट हम कंसीडर करें, ये ऐसे, ये अगर हम इसे एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करें, ठीक है ना, अगर हम इसे एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करें, ठीक है ना, और अगर हम इस पर फोर्स लगाएं, लाइक ये फोर्स हमने एफ ऐसे लगाया, ये फोर्स ऐसे हमने एफ ऐसे लगाया, ठीक है ना। देखिए दोनों फोर्सेस सेम, ऑब्जेक्ट को हमने कहीं से भी फिक्स नहीं किया है, ऑब्जेक्ट सपोज करिए कि स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ और वो रोटेट करने के लिए फ्री है। तो इस सिचुएशन में अगर आपसे पूछा जाए कि अगर एक फोर्स एफ यहां लगा, एक फोर्स एफ यहां लगा, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा, हाँ बिल्कुल रोटेट करेगा। तो ऑब्जेक्ट का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, क्योंकि यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को कहीं से भी फिक्स नहीं किया हुआ है। तो बात की जा रही है किसकी, एक्सिस ऑफ रोटेशन की। तो आप रोटेशनल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट याद करें कि जगह अगर ऑब्जेक्ट फ्री टू रोटेट है और ऑब्जेक्ट को खुद से अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन डिसाइड करना होता है, तो ऑब्जेक्ट अपने सेंटर ऑफ मास के अलोंग रोटेट, जो किसके अलावा रोटेट करता है, सेंटर ऑफ मास। तो हम ये मान लेते हैं कि जितने भी बार मैग्नेट हैं सारे के सारे यूनिफॉर्म शेप के हैं। तो यूनिफॉर्म शेप के हैं तो हम ये मान लेंगे कि इनका सेंटर ऑफ मास क्या है, यहाँ ठीक बीच में है। यानी एक बात तो तय है कि जो भी बार मैग्नेट अगर रोटेट करने की टेंडेंसी होगी, कि किसमें है किसमें नहीं अभी हमें नहीं मालूम, लेकिन हमने क्या कहा कि अगर ये रोटेट करने की टेंडेंसी रखते हैं तो ये अपने सेंटर ऑफ मास के अलोंग रोटेट करेंगे, क्योंकि हमने इन्हें फिक्स नहीं किया हुआ है, ये फ्री है अपना सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन चूज करने के लिए। ठीक, तो चलिए यही बात मानते हुए अब हम फर्स्ट कंडीशन पे डिस्कशन करते हैं। चलिए देखिए क्या है हमारा फर्स्ट कंडीशन। तो ये अगर हम फर्स्ट कंडीशन की ही बात करें तो देखिए ये है ऐसे हमारा बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो ये नॉर्थ है जिसे हमने प्लस एन कहा, ये साउथ जिसे हमने माइनस एन कहा। तो फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, जैसा यहां हमने दिखाया, तो एक फोर्स मान लीजिए ये ऐसे लगा, फोर्स एम बी, एक फोर्स ऐसे लगा, ये फोर्स एम बी। ठीक है, अगर इन फोर्सेस को हम देखें तो ये बेसिकली ऐसे एक लाइन है, इनका एक्सिस सेम, इन फोर्सेस का एक्सिस क्या है, सेम। और जैसा अभी हमने कहा कि ये कहां किसके अलोंग रोटेट करने की टेंडेंसी होगी, सेंटर ऑफ मास। तो मान लिया ये हमने क्या कहा, इसका सेंटर ऑफ मास। तो सोचिए अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा हो और वो फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एक्शन है या जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेंटर ऑफ मास से पास करे, किससे पास करे, सेंटर ऑफ मास से पास करे, तो क्या वो टॉर्क जनरेट करेगा, क्या नहीं, याद करें रोटेशनल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट, वो बिल्कुल भी टॉर्क जनरेट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो फोर्स है वो भी सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है उसका लाइन ऑफ एक्शन,
और इस फोर्स का भी लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास। तो यानी यहां पर भी कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा, और अगर कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, कि टॉर्क नेट इज इक्वल टू जीरो, टॉर्क नेट इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है क्या, कह दिया कि हाँ भाई टॉर्क जीरो है, तो यानी ये कौन क्या हो गया, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम। हाँ बिल्कुल रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ऐसे ही अगर आप सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस में भी जो हमने फर्स्ट के लिए डायग्राम बनाया वही अगर आप सेकंड केस में देखें तो ये फोर्स इधर लग रहा है mv, ये फोर्स इधर लग रहा है mv, और अगर आप बात को समझ पाए तो बीच में कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, और ये दोनों फोर्सेस का भी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कहां से पास कर रहा होगा, ठीक सेंटर ऑफ मास से। अगर इनका भी लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास करेगा तो यानी कि ये भी क्या है आपके नेट टॉर्क जीरो, इसका मतलब ये भी क्या है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सेम एज केस वन, टॉर्क नेट इज इक्वल टू जीरो, नेट टॉर्क क्या है इस पर जीरो, और अगर नेट टॉर्क जीरो यानी ये भी क्या हो गया आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो गया। क्लियर है क्या। आइए थर्ड केस की बात करते हैं, तो देखिए थर्ड केस पर क्या होगा, थर्ड केस में जरा देखिए ऑब्जेक्ट कैसा है, बार मैग्नेट कैसे रखा हुआ है इस तरह से। यहां हमने क्या लिखा है नॉर्थ पोल, तो ठीक है भाई ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो फोर्सेस की बात करें क्योंकि फोर्स पर तो कोई चेंज आना नहीं है, तो देखिए ये फोर्स हो गया इधर एम बी, ये फोर्स इधर हो गया, और इस बार मैग्नेट का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि ये कहां किसके अलोंग रोटेट करेंगे, सेंटर ऑफ मास, ये मान लेते हैं क्या है सेंटर ऑफ मास। तो अब देखिए क्या दो इक्वल फोर्सेस हैं, हाँ बिल्कुल है। क्या ये दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है क्या, नहीं बिल्कुल पास नहीं कर रहा है। तो आप सोचिए कि दो इक्वल फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, उनका लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है, तो क्या ये यहां पर टॉर्क जनरेट करेंगे क्या, हाँ बिल्कुल ये टॉर्क जनरेट करेंगे। और अगर आपको रोटेशनल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट याद हो तो बेसिकली क्या ये कपल बन रहा है, याद है कपल का कॉन्सेप्ट, तो ये क्या बन रहा है कपल, खैर कपल तो है ठीक है, लेकिन हम यहां पर जो बात कर रहे थे किसकी टॉर्क की, तो क्या टॉर्क जीरो है, नहीं टॉर्क जीरो नहीं है, यानी हम क्या कहेंगे टॉर्क नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, टॉर्क नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आया क्यों जीरो नहीं। अब अगर आप देखें तो जो थर्ड केस था क्या वही फोर्थ केस भी है, देखिए इधर फोर्थ केस में इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, और सेंटर ऑफ मास यहां पे। तो जो केस हमने जो डिस्कशन हमने थर्ड के लिए देखा क्या वही इक्वली एप्लीकेबल फोर्थ के लिए हो जाएगा, जैसे सेकंड का एप्लीकेबल था फर्स्ट के लिए आपस में, ऐसे ही क्या फोर्थ के लिए थर्ड वाला केस एप्लीकेबल होगा क्या। देखिए ये दोनों इक्वल फोर्स, हाँ बिल्कुल। क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल। और क्या ये दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, नहीं, तो यानी कि ये दोनों फोर्सेस बेसिकली एक कपल बना रहे हैं, और इस कपल के कारण ये बार मैग्नेट पर क्या जनरेट होगा, एक टॉर्क जनरेट होगा। यानी कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि क्या फोर्थ केस में भी टॉर्क लगेगा, तो हाँ बिल्कुल। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि फोर्थ केस में ही सेम एज केस थ्री, टॉर्क नेट Not is equal to zero. यहां पर भी केस थ्री की तरह से टॉर्क जीरो नहीं है। अब बात करते हैं फिफ्थ एंड सिक्स्थ केस की। अब अगर आपको थर्ड फोर्थ समझ में आ गया तो फिफ्थ सिक्स्थ इक्वली आसानी से समझ में आएगा, कैसे देखिए फिफ्थ की बात करें तो इधर लगा एम बी, इधर लगा एम बी, और ये रहा सेंटर ऑफ मास। सिक्स्थ में बात करें इधर एम बी, इधर एम बी, और ये रहा सेंटर ऑफ मास। दोनों के ही केसेस में क्या जो दोनों फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इन दोनों केसेस के बाद मैग्नेट से, क्या वो सेंटर ऑफ मास से क्रॉस कर रहे हैं क्या,
नहीं बिल्कुल सेंटर ऑफ मास से क्रॉस नहीं कर रहे हैं, और अगर ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, दोनों फोर्सेस सेम हैं, तो ये कपल बना रहे हैं, और ये जो फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन है सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि इन दोनों केसेस में भी टॉर्क जनरेट होगा। तो यानी फिफ्थ एंड सिक्स दोनों ही केसेस में, इन दोनों ही केसेस में टॉर्क नेट इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, टॉर्क नेट जीरो नहीं है, और टॉर्क नेट जीरो नहीं है यानी कि यहां पर भी रोटेशन होगा। अब अगर बातों को समराइज करें तो देखें, केस वन एंड टू नेट टॉर्क क्या है, जीरो। तो नेट टॉर्क जीरो होने का मतलब, लिखते भी चाहे नेट टॉर्क जीरो होने का मतलब कि केस वन एंड टू इक्विलिब्रियम में है क्या, तो हाँ केस वन एंड टू दोनों ही रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। केस थ्री फोर फाइव सिक्स देखिए, इन सब में टॉर्क नेट जीरो नहीं है, टॉर्क नेट जीरो नहीं है, और अगर टॉर्क नेट जीरो नहीं है यानी कि ये चारों केसेस कौन कौन से, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्लियर है क्या? अच्छा, हमने ये देखा कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में केवल यही दोनों केसेस हैं, तो अब अगर ये दोनों केसेस रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा इक्विलिब्रियम, लाइक न्यूट्रल स्टेबल और अनस्टेबल। तो हमें तीनों इक्विलिब्रियम्स के बारे में पता है, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हमने, तो अब हम ये देखें कि इसमें कौन सा इक्विलिब्रियम है और इसमें कौन सा इक्विलिब्रियम है सेकंड केस में। तो चलिए फर्स्ट केस में देखें, ठीक है, तो हम इक्विलिब्रियम के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। चलिए आप इसे नोट कर लें ताकि फ्रेश हम इसे डिस्कस कर सके, स्क्रीन पॉज करें नोट कर लें। ठीक है, नोट कर लिया, चलिए आगे। चलिए हमें यहां बात करनी है कि केस वन और केस टू में रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है वो कौन सा है, न्यूट्रल स्टेबल अनस्टेबल, अब ये देखते हैं। तो चलिए हम केस वन की बात करते हैं पहले। तो केस वन में ऑब्जेक्ट या बार मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है, ये है हमारा नॉर्थ पोल और ये है हमारा साउथ पोल, ठीक, और इन पर अगर हम फोर्सेस की बात करें तो फोर्सेस कुछ इस तरह से लग रहे हैं, फोर्सेस इस तरह से लग रहे हैं, और चूंकि ये फोर्सेस सेम लाइन ऑफ एक्शन और ये पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास है, इसलिए यहां पर जो नेट टॉर्क है वो क्या है, जीरो। तो हमने कह दिया था कि इक्विलिब्रियम। अब मान लेते हैं कि हमने इसे स्लाइटली डिस्टर्ब किया, ऐसे हमने मान लिया कि इसे स्लाइटली डिस्टर्ब किया। अब अगर हमने इसे डिस्टर्ब किया तो क्या ये केस होगा, ये साउथ ये नॉर्थ, ध्यान से देखें, इनिशियल इक्विलिब्रियम और हमने इसे स्लाइटली डिस्टर्ब किया। याद रखें कि अगर हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे चर्चा करें, डिस्कशन करें, तो हमें उसे रोटेट करने में डिस्टर्ब करना है, और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पर अगर हम बात करें तो उसे ट्रांसलेट करके डिस्टर्ब करना है, ठीक है, तो हमने इसे रोटेट करके डिस्टर्ब किया। अब जरा देखते हैं कि इस सिचुएशन में क्या होगा। तो अगर ये एस है तो इस पर फोर्स इधर लगा, और एन है तो इस पर फोर्स इधर लगा। देखें फोर्सेस में कोई चेंज नहीं, देखिए एन पर इधर फोर्स लग रहा था, एस पर इधर, तो देखिए यही है, और सेंटर ऑफ मास क्या यहां पर आ चुका है, सेंटर ऑफ मास क्या यहां पर आ चुका है। देखें अब आप सोचिए कि क्या यहां पर टॉर्क जनरेट हुआ क्या, हाँ बिल्कुल, अगर आप फोर्स के मैग्नीट्यूड की भी बात कर लें तो एम बी इधर है, एम बी इधर है, ठीक है, तो और ये दोनों ही फोर्सेस सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहे हैं, तो टॉर्क जनरेट हुआ। रोटेशनल मैकेनिक्स का फिर से कॉन्सेप्ट, ये टॉर्क इस बार मैग्नेट को किधर घुमाने की कोशिश करेगा, अगर आप समझ पाए तो ये एंटी क्लॉक घूमने की कोशिश करेगा, ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, एंटी क्लॉक घूमने की कोशिश करेगा, ठीक, तो एंटी क्लॉक घूम गया। तो हमें अभी यहां पर यह बात बिल्कुल भी नहीं करनी है कि कितना टॉर्क लगा, कैसे रोटेट किया, वो जस्ट इसके बाद का टॉपिक है, लेकिन हमें जो डिस्कशन करना था इक्विलिब्रियम का, कि क्या इसे डिस्टर्ब करने के बाद ये वापस अपनी इस पोजीशन में आया क्या, नहीं, क्या ये रोटेट कर गया पूरा,
देखिए ऐसे था और ये इस तरह से रोटेट कर गया, यानी ये घूमकर ऐसे तो नहीं आया कभी, यानी ये परमानेंटली डिस्टर्ब हो गया। हमने इसे स्लाइटली डिस्टर्ब किया और उस स्लाइटली डिस्टर्ब होने के कारण इस पर क्या जनरेट हो गया, टॉर्क, और वो टॉर्क इसको परमानेंटली डिस्टर्ब कर दिया, यानी ये वापस ऐसे नहीं आएगा। और अगर ये वापस इस तरह से नहीं आएगा तो कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी कि ये जो फर्स्ट केस हमने बात करी, ये फर्स्ट केस कौन सा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट केस कौन सा है हमारा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसमें, याद रखें हम रोटेशनल की बात कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट केस हमारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन ये भी कौन सा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल। ठीक, सेकंड की बात करते हैं आप जरा, सेकंड की बात करें तो चलिए सेकंड के बारे में समझते हैं। सेकंड, तो सेकंड में देखें यहां पर है साउथ, यहां पर है नॉर्थ, क्लियर। अब अगर देखें तो इस पर फोर्स लग रहा है इधर और इस पर फोर्स लग रहा है, अब इनका लाइन ऑफ एक्शन वगैरह ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ये कहां से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर कोई टॉर्क तो नहीं है, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में था। ठीक, अब हम बात करते हैं कि अगर हमने इसे स्लाइटली डिस्टर्ब किया, ठीक, तो मान लिया इसे स्लाइटली डिस्टर्ब इस तरह से कर दिया गया, ये देखिए ऐसे स्लाइटली डिस्टर्ब, ये फर्स्ट सिचुएशन, ये सेकंड डिस्टर्ब्ड सिचुएशन। तो डिस्टर्ब्ड सिचुएशन में ये नॉर्थ और ये साउथ, तो हमने डिस्टर्ब किया है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा क्या है, यूनिफॉर्म है, यानी फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नॉर्थ पोल पर अभी भी फोर्स इधर लग रहा है, साउथ पोल पर अभी भी फोर्स इधर लग रहा है, और ये रहा सेंटर ऑफ मास, क्या रहा सेंटर ऑफ मास। तो देखिए, अच्छा मान लीजिए हम फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को भी लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा mb, ये भी क्या हो जाएगा mb। तब आप सोचिए क्या ये दोनों फोर्स एक्ट कर रहे थे, हाँ बिल्कुल, पहले भी थे अभी भी है। क्या ये दोनों फोर्सेस इक्वल है, हाँ है। क्या ये दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है क्या, नहीं। तो क्या ये दोनों फोर्सेस कपल फॉर्म कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, यानी कि ये रोटेट करेगा, टॉर्क जनरेट होगी। अब फिर से रोटेशनल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट अगर आप यूज करें, याद है राइट हैंड पर लूप, तो उससे ये कैसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज। देखिए यहां पर ये कैसे रोटेट करने की टेंडेंसी थी, एंटी क्लॉकवाइज। और यहां पर अगर आप समझे तो ये कौन सी टेंडेंसी रख रहा है, कैसे रोटेट करने की, क्लॉकवाइज। इसकी टेंडेंसी है क्लॉकवाइज रोटेट करने की। और अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट किया, यानी कि ये ऐसे था, देखिए ये पेन को मान लीजिए नॉर्थ पोल हम कह रहे हैं, कैप को, तो ये नॉर्थ पोल ऐसे था, हमने इसे डिस्टर्ब किया ऐसे, तो अगर ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज तो ये ऐसे ही तो आने की कोशिश करेगा। तो देखिए, तो क्या इसकी टेंडेंसी अपने ओरिजिनल पोजीशन में जाने की है क्या, हाँ बिल्कुल। अगर हमने इसे स्लाइटली डिस्टर्ब किया तो इसकी टेंडेंसी है ड्यू टू टॉर्क कि ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में जाने की कोशिश करेगा। और अगर ऐसा है तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और बाकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ये तो इक्विलिब्रियम के कंडीशंस ही नहीं थे, तो न्यूट्रल स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का यहां पर कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, समझ में आया क्या। तो ये हमने जो अभी तक टोटल डिस्कस किया वो क्या था कि बार मैग्नेट को, ठीक है ना, अगर एक यूनिफॉर्म साइज का शेप साइज का बार मैग्नेट है और उसे किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, ठीक है ना, तो उसके इक्विलिब्रियम में क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, ये सारी की सारी टेंडेंसी हमने देखी। अब यहां पर एक चीज जो कि इस लेक्चर का तो टॉपिक नहीं है, वो बाद में आएगा, लेकिन चूंकि वो इसी से रिलेट करेगा इसलिए यहां डिस्कस करेंगे। याद करें कि कोई पार्टिकल SHM करता है, तो उस SHM करने के लिए एक कंडीशन होती है कि मीन पोजीशन में पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, याद है क्या। तो यहां पर आप देखिए, तो क्या इस कंडीशन में ये जो बार मैग्नेट है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि इस बार मैग्नेट के पास एक टेंडेंसी है, किस चीज की टेंडेंसी है, SHM करने की, यहां पर नहीं है, यहां पर SHM करने की टेंडेंसी है।
ठीक है ना। तो हम इस टॉपिक को बाद में देखेंगे, लेकिन चूंकि वो इसी टॉपिक से रिलेट था स्टेबल इक्विलिब्रियम से, इसलिए मैंने बता दिया है। तो ये सारा का सारा टॉपिक फिनिश होता है, जिसे हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, थैंक यू।